नेपाल घर में साधुओं की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई, वहीं अब राजस्थान में साधु को जिंदा जला दिया गया। देश में ऐसी आए दिन घटनाएं बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देते हुए कर रहे हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि साधु अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है महंत दिव्या गिरी जी, आईएन से बात करते हैं। मैम, ये जो आए दिन जो दिन दहाड़े बदमाश साधुओं की हत्या कर रहे हैं, इसको आप किस नज़र से देख रहे हैं? देखिए, जो अभी हमारी वर्तमान में सरकार है, चूँकि हर एक के समय में साजिश और हत्याएं होती ही रहती थी, परंतु इस सरकार से जनता जनार्दन या फिर साधुजन का अपेक्षा ज़्यादा है कि अगर इसमें भी न्याय नहीं होता है या निर्णय नहीं होता है तो बहुत ही कष्ट की बात है। और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ, जैसे अभी हम लोगों के जनवरी मार्च अप्रैल का महीना था, सब जो पालवर वाली घटना हुई थी, 70 वर्षीय अगर वृद्ध साधु की हत्या होती है और वो भी चोर समझ के, तो ये मुझे लगता है समाज का निकृष्टतम रूप सामने आ रहा है। कभी हम लोगों को हाँ सुनने में ये होता था कि न्याय नहीं हुआ या ऐसा कुछ, मगर इस तरह की घटनाएं अभी 10 से 15 सालों में तो हमें सुनने को नहीं मिली। बहुत ही कष्टप्रद है और मुझे लगता है कि सरकार को निर्णय लेना चाहिए और थोड़ा सा इस ओर भी उनका ध्यान इंगित करना चाहिए कि जहाँ पे ऐसा माहौल है या ऐसे मठ मंदिर हैं या जो प्रतिष्ठित धर्म स्थान है, वहाँ के हेड को उनको सिक्योरिटी भी देना। आपने कहा कि जो पालघर में साधुओं को पीट पीट कर चोर समझ के मारा गया था, तो वहाँ पे उनके साथ पुलिस भी मौजूद थी, तो कहीं ना कहीं प्रशासन पे भी ये सवाल उठता है कि प्रशासन मतलब हिंसात्मक जो भीड़ इकट्ठा होके करते हैं, तो वो मतलब उनसे डर गए हैं। एक सवाल उठता है कि मतलब अब सुरक्षित नहीं है प्रशासन से भी पब्लिक? देखिए, उस टाइम जो घटना हमारे हमारे संज्ञान में आ रही थी, वो यदि कि पुलिस वाले उसको हाथ पकड़े हुए थे और उसको हटा देते हैं, उसके बाद उसको मारते हैं, यानी कि भीड़ अगर इतना हिंसक हो जा रहा है कि हमारा प्रशासन भी सुरक्षा नहीं ले पा रहा है, तो मुझे लगता है ये बहुत ही शोचनीय विषय है और बहुत ध्यान योग्य देने का है कि वहाँ की सरकारें हों या यहाँ की सरकारें हों, अगर मठ मंदिर इनके समय में सुरक्षित नहीं होगा तो मुझे तो नहीं लगता है कि कभी भी ये सवाल जवाब किसी अन्य सरकार से भी हो सकता है। क्योंकि आप धर्म प्रधान हैं और धर्म की रक्षा के हेतु जनता ने आपको चुना है, तो आपको अवश्य इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने का तुरंत निर्णय लेना चाहिए। मैम, जैसे कि अभी आपने कहा निर्णय लेना चाहिए, लेकिन पालघर वाली घटना को दबा दिया गया, तो क्या लगता है जो आए दिन ऐसी घटनाएं साधुओं के साथ हो रही, गोंडा में हो गया, फिर राजस्थान में हो गया और भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई साधुओं के साथ, तो क्या लगता है कि वो भी घटना ऐसी दबा दी जाएगी? मुझे तो लगता है जब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, घटने पे घटने हो रहे, कम से कम 5 से 6 अप्रैल के बाद में 6 ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिनको शायद पूरा पब्लिक झकझोर दिया गया होगा। अब जी प्रदर्शन उस टाइम की पालघर वाली कोरोना काल में हुआ था, तो साधु संत वैसे भी अहिंसा के पुजारी हैं, वो अहिंसक हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते हैं, परंतु यही अगर किसी अन्य धर्म के उसमें हुआ होता तो मुझे लगता है कि कोहराम मचा होता। अभी भी समय है, सरकार को निर्णय लेना चाहिए, उचित दंड की कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैम, जो आप बोल रहे हैं सरकार को निर्णय लेना चाहिए, तो क्या आप मांग कर सकती हैं साधुओं के लिए कि आप महंत होके? देखिए, अगर सुरक्षित तो नहीं है, देखिए संत तो सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया कि जो भी आपको लग रहा है कि ये संवेदनशील क्षेत्र है, वहाँ के मठ मंदिर हैं, उनकी पुजारी, उनके महंत या उनके जो भी प्रिंस या मेन हों, उनकी सुरक्षा पहले बढ़ा देना चाहिए। अगर वो सुरक्षित थोड़ा सा अपने आप को महसूस करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, और ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वो धर्म और धर्मस्थलों की सुरक्षा करें। तो ये थी हमारे साथ महंत दिव्या गिरी जी, जिन्होंने बताया कि अगर इनकी सरकार में साधु संत सुरक्षित नहीं है तो फिर किसी सरकार में नहीं, कहीं नहीं है, और कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। आए दिन ऐसी जो घटनाएं हो रही हैं, साधु संतों को उन मठ में जो रहते हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट जिशान के साथ मनु तिवारी, Alive24 न्यूज, लखनऊ। देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे चैनल Alive24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।